तो उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद अहम है, बेहद खास है। तो बड़ी खबर आपको सबसे पहले यहीं की बताते हैं। नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। न्यायमूर्ति यूएस ध्यानी की एकल पीठ में सुनवाई चल रही है। समाचार प्लस पर हाई कोर्ट से भी पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर यहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम कर रहे हैं पैरवी, दिनेश त्रिवेदी और विकास बहुगुणा भी कर रहे हैं बागी विधायकों की पैरवी, जबकि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। तो आपको बता दें कि देवी दत्त और कामत भी कर रहे हैं पैरवी। बर्खास्तगी के खिलाफ बागी विधायकों ने याचिका दायर की और बागी विधायकों को बर्खास्त कर दिया था स्पीकर ने, और उसके बाद ही यहां पर ये मामला कोर्ट में चल रहा है। तो उत्तराखंड में जो भी कुछ चल रहा है उसको लेकर हर एक खबर हमेशा की तरह समाचार में सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें कि आज भी सुनवाई शुरू हो चुकी है। शनिवार को जब सुनवाई हुई थी फिर ये पक्ष या रखा था अपना अपना, और उसके बाद आज तक के लिए सुनवाई चली थी। हेमभट हमारे संवाददाता जो लगातार नजर बनाए हुए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हेम, शनिवार के दिन उम्मीद थी लेकिन सोमवार तक टला था मामला, तो आज क्या कुछ उम्मीद है, यहाँ पर क्या फैसला आएगा और क्या प्रोसीडिंग चल रही है? देखिए, सुनवाई शुरू हो गई है और जो अधिवक्ता हैं सीए सुंदरम इस समय दलीलें पेश कर रहे हैं बागियों की ओर से, और उम्मीद है कि आज इस मामले में फैसला आने जा रहा है। जो दलीलें अब तक सीए सुंदरम ने पेश की हैं उनमें खासतौर से प्रीति ये है कि उन्होंने जो 9 विधायक जिनका डिस्क्वालिफिकेशन किया है उसमें स्पीकर की ओर से उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक जो न्याय का सिद्धांत था उसके खिलाफ जाकर उन्होंने इनका डिस्क्वालिफिकेशन किया है। समय पूरा नहीं दिया गया, सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, और जो दस्तावेज मांगे गए थे स्पीकर ने जब डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो आधार रखे थे उनको जब मांगा गया बागी विधायकों के काउंसिल द्वारा, दिनेश द्विवेदी उस दिन मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, केवल जो आरोप लगाए थे जिनके आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन किया गया था उन आरोपों पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं सुनी गई, उनकी बात ही नहीं सुनी गई। एक दूसरी बड़ी दलील उन्होंने अभी पेश की है, उन्होंने कहा है कि 18 मार्च के दिन जब सदन में मत विभाजन की मांग उठी थी उस वक्त 68 का आंकड़ा था सदन के भीतर, और उस समय 35 विधायक जिसमें 26 भाजपा के और 9 कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने मत विभाजन की मांग की, लेकिन स्पीकर ने मत विभाजन की मांग नहीं मानी। और इसके अलावा साथ में स्पीकर ने यह कह दिया कि जो विनियोग विधेयक है वो ध्वनिमत से पारित हो गया। सीए सुंदरम का यह कहना है कि अगर ध्वनिमत से कोई बिल पारित हो गया था तो फिर ये 9 बागी विधायक कैसे इन्होंने कोई विरोध में वहां पर मत किया, ये कैसे साबित हो रहा है कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि की है। इस तरह से उन्होंने दलीलें रखी, और खास तौर पर जो व्हिप के उल्लंघन का मामला है उन्होंने कहा है कि जो आधार दिए हैं स्पीकर ने वो दिए हैं कि 18 मार्च की देर रात यानी कि 10:30 पे जो नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के साथ जो मेमोरेंडम सौंपा उसमें ये 9 बागी विधायक थे, इसे आधार माना है। वो साथ एक प्लेन में गए, एक बस में गए, इसे आधार माना है, जो कि आधार ही ने यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जो येदियुरप्पा के मामले में जो सुनवाई की थी सुप्रीम कोर्ट में 19 बागी विधायक जो वहां के थे उनका भी हवाला दिया, और उनकी सुनवाई उस फैसले में क्या कुछ बातें आई थी ये सारी बातें सीए सुंदरम ने कोर्ट के सामने अभी रखी हैं। उनकी दलीलें जारी हैं, कुछ समय तक चलेंगी और इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। चलिए, तो हम अब देखते हैं कि आज फैसला आता है, क्योंकि दलीलें दोनों ओर से रखी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया हेम आपका जानकारी के।